Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the part 2 Euglena viridis. Part 1 में हमने Euglena के structure, उसके structure को जाना और उसके locomotion को पढ़ा समझा. इस video lecture में हम इसके बाकी की जो facts हैं, respiration, osmoregulation, reproduction, behavior, इन सब को हम देखेंगे. न्यूट्रिशन ऑफ Euglena viridis में हम ये हमें पता है कि Euglena जो है इसमें मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी इसमें ऑटोट्रॉफिक भी कंडीशन प्रेजेंट होती है और इसमें हीटरोट्रॉफिक कंडीशन भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक कंडीशन के लिए इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है. इसलिए जब डार्क कंडीशन होती है या नाइट होती है तो उस वक्त इसमें हीटरोट्रॉपिक कंडीशन जो है वो प्रेजेंट रहती है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका? मिक्सोट्रॉपिक, होलोफाइटिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो इनमें Euglena जो है इसमें जो मेन न्यूट्रिशन होता है ये आपके होलोफाइटिक या प्लांट लाइक होता है. जिस तरह से प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी फूड का फॉर्मेशन होता है. द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड फोटोसिंथेटिकली एज एन प्लांट विद द एड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लाइट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर. तो इसी तरह से यहाँ पे इनमें जो है वो फूड का फॉर्मेशन होता है. पूरे प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है, कार्बन इज रिटेन्ड एंड कंबाइंड विद द एलिमेंट ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट आपका पैरामाइलम जो है, दिस इज अ पॉलीसेकेराइड. पैरामाइलम डिफर फ्रॉम द स्टार्च बिकॉज इट डज नॉट बिकम ब्लू विद द आयोडीन सोल्यूशन. तो यहाँ पे जो पैरामाइलम है ये आपका कैसा होता है, स्टार्च होता है. जो कि स्टार्च को अगर आप देखेंगे तो स्टार्च का जो मेन एक आपका टेस्ट करने का तरीका होता है ये क्या होता है, ब्लू कलर जो है आयोडीन के साथ में आपको ब्लू कलर मिलता है. तो इसी तरह से ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो ये आपका पैरामाइलम जो है पॉलीसेकेराइड है, लेकिन आप इसको ब्लू अगर करेंगे आयोडीन के साथ तो ये यहाँ पे कलर नहीं शो करता है. द Euglena इन Euglena द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिट्रैक्टेड पैरामाइलिन बॉडी एंड देर इज नंबर इन अडेंटन इन ए वेल फ्लेड Euglena. तो जितना ज्यादा उसमें वेल फेड कंडीशन है, ऑटोट्रॉपिक कंडीशन है, उतना ज्यादा इसमें पैरामाइलम जो है ये प्रेजेंट होता है. सैप्रोफाइटिक या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो होती है जिसकी वजह से क्या होता है ये सैप्रोफिटिक होते हैं या सैप्रोजोइक होते हैं. इस मोड में क्या होता है कि एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन या डिकेइंग मैटर जो उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, Euglena आपको पता है फ्रेश वाटर एनिमल होता है, तो फ्रेश वाटर में जो भी मटेरियल डिजॉल्व है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं. दे रिक्वायर अमोनियम सॉल्ट इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट ऑफ देयर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन. तो यहाँ पे नाइट्रेट की जगह पे अमोनियम सॉल्ट जो है ये मेन इसका नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सोर्स होता है. Euglena कैन सबसिस्ट और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन व्हेन इट लूज इट्स क्लोरोफिल इन कंप्लीट डार्कनेस. तो अगर आप किसी Euglena को बहुत समय लंबे समय तक डार्कनेस कंडीशन में रखते हो, बिना सनलाइट के रखते हैं, तो धीरे धीरे इसमें जो आपके क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाते हैं. यूजली द क्लोरोप्लास्ट लॉस्ट इन द डार्कनेस एंड आर रीगेन्ड इन द लाइट. और वापस अगर आप Euglena को लाइट दोगे, लाइट सनलाइट में रखेंगे, तो वापस से इसमें क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है. लेकिन Euglena gracilis जो होता है इसमें परमानेंट लॉस हो जाता है. तो ये आपको एग्जांपल एक याद रखना है कि ऐसा कौन सा क्लोरोफिल की स्पीशीज है जिसमें वापस से क्लोरोफिल जो है वो रिजनरेट नहीं हो सकता. अगर हम उसको एक कंप्लीट डार्कनेस में रखते हैं तो दिस इज Euglena gracilis. इसके अलावा पिनोसाइटोसिस भी देखा गया है जिसमें कि एक ट्यूब लाइक चैनल होता है जिसके थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या किसी अदर लिक्विड मटीरियल को एब्जॉर्ब करते हैं. When an organism exhibits by using more than one method, then it is said to exhibit mixotrophic mode of nutrition. तो mixotrophic हम कब कहते हैं, जब इसमें saprophytic भी है और इसमें holozoic और heterozoic दोनों होलोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Euglena एग्जिबिट बोथ होलोटाइपिक एंड सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, देयरफॉर इट एग्जिबिट मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज जो है गैसेज का वो बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू होता है.
जो भी सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको ये वाटर में रिलीज करते हैं। एक्सक्रीशन इन यूग्लिना विरिडिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका रिमूवल भी जनरल बॉडी सर्फेस से ही होता है, किसी भी तरह के कोई स्पेशल ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो रेस्पायरेशन इन एक्सक्रीशन इनके लिए किसी भी तरह के कोई अदर ऑर्गेनिज की जरूरत नहीं होती है। सिंपलेस्ट एनिमल है ये। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत जब फ्रेश वाटर एनिमल होता है तो वहाँ पे फ्रेश वाटर एनिमल या फ्रेश वाटर जो होता है उसका ऑस्मोरिटी और जो एनिमल एनिमल का जो बॉडी है उसकी ऑस्मोरिटी में डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से इसमें इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए इसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, या इसके इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। सिंस यूग्लिना विरिडिस हैज अ सेमी परमेबल पेलिकल एंड लिव इन वाटर सो दैट वाटर कंटिन्यूसली एंटर इन इट्स बॉडी बाय एंडोस्मोसिस। पेलिकल इसमें प्रेजेंट होता है तो पेलिकल की वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है इसमें कंटिन्यूसली चला जाता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। The removal of excess of water from the body is known as osmoregulation. The elimination of excess of water is done by the contractile vacuole. तो as eliminated जब करना होता है इस excess of water को तो उसके लिए इसमें contractile vacuoles present होती हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक contractile vacuole जो होती है वो बड़ी contractile vacuole होती है, इसके साथ में accessory contractile vacuoles होती हैं। तो accessory contractile vacuoles जो होती हैं जो भी अपना जो liquid है उसको main contractile vacuoles में डालती हैं, और ये यहाँ से ये फिर जो है वो साइटोफेरेंस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अलोंग विद दिस वाटर सॉल्युबल वेस्ट आर आल्सो थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। बिहेवियर अगर हम बात करेंगे तो यूग्लिना विरिडिस जो होता है ये लाइट के लिए बहुत अच्छे से सेंसिटिविटी शो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है या बहुत ज़्यादा डार्क है ये उसको प्रेफर नहीं करता, ये एक जो एक ऑर्डिनरी लाइट होती है ये उसको प्रेफर करता है। इफ़ ए कल्चर ऑफ यूग्लिना इज एग्जामिन मोस्ट ऑफ द एनिमल विल बी फाउंड ऑन द साइड टूवर्ड्स द लाइट। इट दिस इज ऑफ डिस्टिंक्ट एडवांटेज टू द एनिमल बिकॉज लाइट इज नेसेसरी फॉर द एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मीन ऑफ इट्स क्लोरोफिल। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट में नहीं जाते हैं लेकिन डार्कनेस को भी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही इसमें क्लोरोफिल की मदद से ये अपना जो फूड है उसको सिंथेसाइज करते हैं। यूग्लिना विल स्विम अवे फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ सन। तो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेज जो होती है वहाँ उसको ये पसंद नहीं करते हैं, ये उससे दूर जाते हैं। स्विमिंग यूग्लिना मूव्स इन अ स्पायरल मैनर रोटेटिंग एंड गायरेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस बट इट शोज ए शॉक रिएक्शंस व्हेनेवर डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज। तो हम इसके बिहेवियर को लाइट की डायरेक्शन को चेंज करके भी हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रीजन इन फ्रंट ऑफ आई स्पॉट इज मोर सेंसिटिव टू लाइट देन एन इन द अंदर पार्ट ऑफ द लाइट। तो आई स्पॉट्स जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, तो इसकी वजह से ये इस आई स्पॉट यानी एंटीरियर रीजन वाला जो बॉडी का जो एंटीरियर रीजन है ये लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करता है। यूग्लिना ओरिएंटेड इटसेल्फ पैरेलल टू द रेज ऑफ लाइट व्हेनेवर द पैराफ्लोजरल बॉडी इज शेडेड। अगर हमने फोटो रिसेप्टर आई स्पॉट इनको अगर हमने शेड कर दिया तो ये पैरेलल हो जाते हैं लाइट के। द एनिमल एडजस्ट इज पोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट मूविंग आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो इस तरह से लाइट के लिए अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं। When the animal rotates, stigma acts as a screen. Paraflagellar body is alternatively exposed or shielded when light falls on it from one side. ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरह से expose करता है कि light जो है ये source of light is either straight in front or behind. ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरह से adjust करते हैं कि इनकी जो paraflagellar body है ये light में रहे। इसके अलावा यूग्लिना जो है मैकेनिकल थर्मल और केमिकल स्टिमुलाई के लिए भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इस तरह के हम एक केमिकल या थर्मल एग्जर्शन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये उसको अवॉइड करता है, ये उससे दूर जाता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना में रिप्रोडक्शन जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के थ्रू भी होता है और मल्टीपल फिशन के भी थ्रू होता है। इसके अलावा इसमें एंसेस्टमेंट भी प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स बॉडी जो है वो लंबाई में
फिशन होगा। कैसा फिशन है? बाइनरी फिशन है, यानी पूरी बॉडी लंबाई में दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये इनके फेवरेबल कंडीशन में होता है, ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब लाइट, टेम्परेचर और फूड की अवेलेबिलिटी तो नॉर्मल होती है, तो उस वक्त युगलीना जो है उसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। द फिशन इज ऑलवेज सिमेट्रोजेनिक, यानी बॉडी जो होती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय द माइटोसिस। ठीक है, इसमें माइटोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस के जितने भी स्टेजेस आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उन सब के थ्रू होता है। ऑर्गेनली एट द एंटीरियर एंड सच एज स्टिग्मा, ब्लेफरोप्लास्ट, रिजर्वर, साइटोफेरेंस, क्रोमेटोफोर, पैरामाइलम बॉडी, ये सब डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, बॉडी बिगिन टू डिवाइड लेंथ वाइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड डाउनवर्ड्स टू द पोस्टीरियर एंड, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर इंडिविजुअल्स। तो बॉडी में जो डिविजन होता है वो एंटीरियर एंड से शुरू होते हुए पोस्टीरियर एंड की तरफ आता है। ओल्ड फ्लैजेलम इज रिटेन्ड बाय वन हाफ। ओल्ड फ्लैजेलम जो है वो आधे के साथ में, जो जो पेरेंट बॉडी होती है उसके साथ में ओल्ड फ्लैजेलम रहता है, नया जो बनने वाला होता है उसके साथ एक नया फ्लैजेलम डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम जो है इसमें दो पार्ट्स में युग्लेना डिवाइड हो रहा है, जितने भी इसके ऑर्गेनिल्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्लैजेला जो होता है वो जो डॉटर इंडिविजुअल होता है उसमें नया बनता है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन जो होता है वो यूजुअली एंसिस्टेड कंडीशन होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस वक्त पूरी बॉडी जो है वो किसी एक कोट के अंदर कवर्ड हो जाती है। तो इस और उसके बाद में जो है साइटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियस जो है वो काफी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और लगभग 16 to 32 स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स का ये जो है ये बनते हैं। वन ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन सिस्ट जो है वो टूट जाती है और डॉटर इंडिविजुअल जो है ये बॉडी से बाहर निकलते हैं और इस तरह से जो इसमें मल्टीपल फिशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल फिशन और आपके पॉमेला स्टेज दोनों को शो किया हुआ है। तो मल्टीपल जो स्टेज होती है ये एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। सबसे पहले इसके चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट होता है वो बहुत सारे उसमें फ्रेगमेंटेशन होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और बाद में हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है। इस कंडीशन को हम सिनिशियम कंडीशन कहते हैं। इस जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके बर्स्ट हो जाती है और जितने भी डॉटर न्यूक्लियस होते हैं ये साइटोप्लाज्म के थ्रू ये सब बॉडी से बाहर निकल के और एक नया इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। तो पॉमेला स्टेज जो होती है ये एक्चुअल में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके इसमें म्यूसिलेजिनस मास एक प्रेजेंट होता है और इसमें दिस दिस सीक्रेट म्यूसिलेजिनस मास एंड और इसमें जो होते हैं आपके बहुत सारे जो डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स यूजुअली अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस द लार्ज नंबर ऑफ युग्लेना कम क्लोज टुगेदर, लूज देयर फ्लैजेला एंड बिकम राउंडेड। तो इसमें कैसे होते हैं, फ्लैजेला लूज हो जाता है और ये आपस में राउंडेड हो जाते हैं एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉमेला स्टेज विच इज ऑफन सीन एज अ ग्रीन स्कम ऑन द वॉटर सर्फेस ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन एंड पॉमेला स्टेज। तो पॉमेला स्टेज भी आपकी कैसी है, एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए। इंडिविजुअल ऑफ द पॉमेला स्टेज कैरी ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन जिलेटिनस कवरिंग स्वेल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द युग्लेना आर रिलीज्ड। तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। थर्ड इज एनसिस्टमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एंड ड्रॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, स्कैसिटी ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, युग्लेना अंडरगोज एंसेस्टमेंट। तो जैसे ही कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो युग्लेना कैसा हो जाता है, एंसेस्टेड हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल युग्लेना बिकम इनएक्टिव, लूजेज इट्स फ्लैजेलम एंड सिक्रेट अ सिस्ट अराउंड इट। इसके चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। द सिस्ट इज सिक्रेटेड बाय द म्यूसिलेजिनस बॉडी लाइंग बिलो द पेलिकल। द सिस्ट इज थिक वॉल्ड, राउंडेड एंड रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हिमेटोक्रोम। ठीक है, तो सिस्ट की वजह से, सिस्ट जो होती है रेड कलर की होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसकी वजह से। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है सिस्ट जो होती है वो टूट जाती है, हट जाती है और जितने भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। युग्लेना विरिडिस जो है इसे हम एनिमल में भी रख सकते हैं और प्लांट्स में भी रख सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक होता है ये एनिमल और प्लांट के बीच। तो युग्लेना जो है उसमें
प्लांट के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इनमें पेलिकल प्रेजेंट होता है, इसको भी हम जो है ये इसमें रख सकते हैं प्लांट कैरेक्टर में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये युग्लिना जो है ये प्लांट की कंपैरिजन में एनिमल को जो होता है वो ज्यादा बिलोंग करता है। तो इसमें क्या होता है, तो इट्स पेलिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉट ऑफ द सेल्यूलोज। तो सेल हमें ये पता है कि प्लांट्स में जो है ये सेल वॉल जो प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो पेलिकल है जो कि प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में जो होती है ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लेफरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि सेंट्रियोल की तरह वर्क करता है, सेंट्रियोल प्लांट्स में एबसेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा एंड पैराफ्लाजेलर बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्लांट्स में फोटो सेंसिटिविटी इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ये भी प्लांट्स में एबसेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो होलोजोइक एज बीन क्लेम्ड एज सर्टन जूलॉजिस्ट। प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन विच इज नॉट फाउंड इन प्लांट। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और पिनोसाइटोसिस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम इसे प्लांट्स के ज्यादा क्लोज, एनिमल्स के ज्यादा क्लोज रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट युग्लिना। युग्लिना का हमने दो पार्ट्स वीडियोस में सारी स्ट्रक्चर्स को, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन और एनिमल और प्लांट के बीच में जो इनकी कनेक्टिविटी है उनको हमने समझा। तो आई होप आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।